हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साइंस चैप्टर वन का पार्ट थ्री। लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं। हमने पार्ट टू अभी तक, पार्ट वन पार्ट टू दो देख लिए हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, जिसके अंदर हम डार्विन के बारे में थोड़ी जानेंगे, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट थियरी दी हमें इवोल्यूशन के बारे में। एक और है जॉन बैप्टिस्ट करके, उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या पहले, इसके पहले क्या रह चुकी थी एक साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्या उन्होंने कहा था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है उसके बारे में, एंड ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे। सो सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए। मैं मैथ्स एंड साइंस वीडियोस बनाता हूँ एंड हिस्ट्री वगैरह भी वीडियोस बनाता हूँ, एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ मोस्टली। सो सब्सक्राइब टू द चैनल, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, आई एम गोना शेयर द स्क्रीन। ओके, एज यू कैन सी, हमने अभी तक पूरा यहां तक कर लिया है कि टाइप्स ऑफ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, ये वाले पार्ट हम पूरा यहाँ तक पूरा कर चुके हैं। अब हम चालू करेंगे डार्विन थ्योरी क्या है। यहाँ से हम चालू करने वाले हैं कि डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको पहले ये समझना है, इन्होंने ये टर्म दिया था नेचुरल सिलेक्शन, इनका ये मानना था पहले तो इनकी ये क्या स्टोरी है, हम वो बात करते डायरेक्ट, फिर हम ये रीडिंग करेंगे। तो ये सबसे पहले तो मास्टर ऑफ आर्ट्स तक पढ़ चुके थे, इन्होंने मेडिसिन का भी पढ़ाई चालू किया था लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि उन्होंने वो छोड़ दिया था। और इनको चीजें कलेक्ट करने में, लिविंग चीजें खोजने में ये बीटल्स कलेक्ट करते थे एंड ये सारी चीजों में काफी इंटरेस्ट आने लग गया, इसलिए इन्हें नेचुरलिस्ट भी कहा जाता है, जो नेचर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि एनिमल्स एंड प्लांट्स ये सब के बारे में जो पढ़ना चाहता है उसे नेचुरलिस्ट कहते हैं। तो उस जमाने में वो साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी फेमस हो चुके थे एंड इन्हें बहुत सारे अच्छे वो जमाने के साइंटिस्ट लोग का सपोर्ट भी मिला था, जिनके थ्रू इन्हें एक शिप में जाने का मौका मिला था, एक वॉयज पे गए थे ये, HMS बीगल नाम की एक शिप में ये गए थे। उन्होंने 5 साल अलग अलग पूरे वर्ल्ड टूर किया उन्होंने एंड अलग अलग आइलैंड्स पे गए ये, एंड वहां पर उन्होंने पहली बार लाइफ में, ये पहली बार हो रहा था, एंड उन्होंने नए नए एनिमल्स देखे, प्लांट्स देखे, फॉसिल्स ढूंढे वहां पर, एंड इसी के पूरे रिसर्च पे जब वो रिटर्न आ गए थे, उन्होंने इतने पूरे दौरान 5 साल उन्होंने जो रिसर्च किया था, जो आर्टिकल्स लिखे थे, उससे वो ऑलरेडी फेमस हो चुके थे पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में उस जमाने में। इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं ये रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। ओके, एंड रॉबर्ट उनके फादर का नाम है, चार्ल्स डार्विन, एंड ये इतने फेमस हो चुके थे जब वो रिटर्न आए, उन्होंने बहुत बेहतरीन और रिसर्च करके अपनी फाइंडिंग्स के ऊपर दूसरी बातें लिंक करके हमें दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इवोल्यूशन का आइडिया पूरा उन्होंने हमें दिया कि कैसे हम बंदर से, कैसे हम धीरे 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 एप्स, धीरे धीरे हम आज जो ह्यूमन, दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस है कहलाते हैं, वो हम कैसे बने। तो ये उन्होंने एक लिंक, एक कड़ी जोड़ दी, एक चेन बना दी एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी किताब में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में। ओके, सो उन्होंने ये किताब करीब 1858 या 59 के दौरान लिखी थी, पब्लिश की थी मतलब, एंड इन्होंने काफी इसके वर्जन्स निकाले थे जिसमें लेट वर्जन में उन्होंने ये टर्म दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि कौन ज्यादा फिट है फिजिकली वो सर्वाइव करेगा, इसका मतलब ये है कि कौन अपने एनवायरमेंट में फिट हो रहा है, कौन अपने सराउंडिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अनुसार एडेप्ट कर रहा है और वो सर्वाइव करेगा। तो देखिए, फिजिकली स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो लायन टाइगर आज भी हमसे स्ट्रांग है, डायनासोर ऑब्वियसली बात है स्ट्रांग थे, लेकिन वो नहीं रहे आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस ही ऐसा स्पीशीज था, बंदरों का ही हमारा जो लिंक है पूरा, वो ही ऐसा स्पीशीज था जो जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलते गए, हालात बदलते गए, वो अपने आप को वैसे ढालते गए, वैसे चेंज होते गए, वो एडेप्ट करते गए, वो उस एनवायरमेंट में फिट होते गए। सो ये बात यहाँ पे समझनी है, ठीक है? तो उस तरह से बहुत साल लगे ये सब करने में, हम ऑलरेडी पार्ट वन पार्ट टू में बात कर चुके कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये, बिलियंस एंड करोड़ ऑफ इयर्स लग चुके हैं हमको ये करने में। सो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस ये उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में पहली बार बताया था। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग, बहुत ही ये टॉपिक अगर समझाने जाए
तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक है एक्चुअली, लेकिन आपको सिलेबस के हिसाब से जितने पॉइंटर्स यहाँ पे दिए हैं बस वो समझने की जरूरत है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। चार्ल्स डार्विन हैड कलेक्टेड इन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दोज स्पेसिमेंस ही पब्लिश्ड द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उन्होंने बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल्स के स्पेसिमेंस यानी कि उनका कलेक्शन किया था, फॉसिल्स उनके डेथ होने के बाद जो बॉडी है वो कलेक्ट किया था, और इन्होंने अपने जब वो बड़े हो रहे थे उन्होंने अपने एक घर में एक व्यक्ति थे जो उनके स्लेव हुआ करते थे, पहले के जमाने में स्लेव्स रखा करते थे, तो इनके ग्रैंडफादर ने स्लेव्स को छुड़ाया था, तो ये सारा ऐसे काफी ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके पास से इन्होंने एक टेक्निक सीखी थी जिससे वो डेड एनिमल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हमने पुराने पिक्चरों में भी देखा होगा, हिंदी मूवीज में भी, जो शेर का चेहरा लगा रहता है हंटिंग करने के बाद, डियर का चेहरा लगा रहता है, वो रियल चेहरे होते हैं, तो उसको प्रिजर्व कैसे किया है, तो वो चीज भी इन्होंने सीखी थी। तो ये चीज भी उन्हें काफी काम आई थी अपने इस 5 साल के वॉयज में, जहां पे इन्होंने अलग अलग आइलैंड्स पे जाते हुए सारी स्पेसिमेंस कलेक्ट किए थे प्लांट्स और एनिमल्स के। ओके, इसी के ऑब्जर्वेशन से उन्होंने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी हमें। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सिंपल ये कहता है कि देखो मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो आप नेचुरल सिलेक्शन अपने आप समझ जाओ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी ये होता है, जैसे कि अभी जो हम चिकन खाते हैं तो वो बॉयलर और देसी हम दो बोलते हैं, राइट। तो ये जो बॉयलर है ये हम खुद कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में उसे ग्रो करते हैं सिर्फ हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारे खाने के लिए ही उनको पैदा किया जाता है, राइट। सो ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी कि हम उसको चेंज करके उसके एनवायरमेंट को कंट्रोल करके हम जैसे चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे हम बिग साइज की मुर्गी या मुर्गे बनाते हैं। तो ये जो है दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जहां पे हम कंट्रोल कर रहे हैं किसी चीज को। तो इसका ऑपोजिट है नेचुरल सिलेक्शन, जहां पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो लेट्स इमेजिन अगर मैंने देसी मुर्गी और ब्रॉयलर मुर्गियों को छोड़ दिया एनवायरमेंट में, तो मुझे नहीं पता कि कौन दोनों में से ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा। क्या वो नेचुरली जो हमें देसी हम जिसको कहते हैं जो नेचुरल हेंस एंड चिकन्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे, कि हमने जो लैब में क्रिएट किए हुए जो बॉयलर चिकन जिसको हम बोलते हैं वो सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये नेचुरली होगा, हमें कोई इसका आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। सो दैट क्वालिटी इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो इन्होंने चार्ल्स डार्विन ने यही बात बताई कि नेचुरल सिलेक्शन पे सब कुछ बेस्ड है, उसी के बेस पे कुछ लोग आगे चले गए कुछ लोग रह गए। आगे कौन गया? जो एडेप्ट कर सका अपने एनवायरमेंट को वो आगे चला गया, वो चेंज होते गया एनवायरमेंट के हिसाब से। तो एक थीम लाइन ऐसी है ना जो आगे हमको अभी आने वाली है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में आने वाली है, कि हम जो बंदरों से आए तो पहले हम एकदम ही ऐसे बंदर थे जिनकी टेल बहुत लंबी होती है, ओके, लॉन्ग टेल्ड मंकी, तो वो बहुत लंबी होती है। हमने धीरे धीरे वो टेल का यूज करना कम कर दिया, तो हमारी टेल छोटी हो गई, एनवायरमेंट चेंज हुआ, हमने झाड़ से उतर के अब लैंड पे रहना चालू किया, तो उसमें से फिर से डाइवर्जन हो गया एंड हमारे अंदर एप्स वाले गोरिल्ला और एप्स वाले क्वालिटी है जिनकी पूंछ नहीं होती है लेकिन वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे एनवायरमेंट सराउंडिंग चेंज होते गया, क्लाइमेट चेंज होते गया, उसमें और डाइवर्सिफिकेशन आते गया, इवोल्यूशन होते गया, जिससे हम धीरे धीरे हैंड्स का यूज कम करने लग गए और स्ट्रेट चलने लग गए, और चलने के लिए हैंड्स का यूज कम करने लग गए और स्ट्रेट चलने लग गए। ओके, ये जैसे ही हुआ तो अब हमारे हाथ जो है दूसरे काम के लिए यूज होने के लिए अवेलेबल हो गए, जिससे हमने टूल्स बनाना सीख लिया धीरे धीरे। तो ये पूरा थियरी है इवोल्यूशन का, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। तो यही है पूरा नेचुरल सिलेक्शन। ओके, सो लेट्स रीड अहेड। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसी चीज के लिए उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक पब्लिश की थी। व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। तो इनका ये भी मानना था कि जो एनवायरमेंट में है हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, और हर एक का अपनी एक वेराइटी आ जाती है बिकॉज ऑफ सब जेनेटिक फैक्टर। हमने स्टार्टिंग में पार्ट वन में देख लिया जेनेटिक कैसे काम करता है, थोड़ा सा कोड चेंज हो गया तो कितना फर्क आता है हमने ये भी देख लिया। तो ये जो चेंजेस आते जाता है उसके बेस पे ये जो अलग अलग स्पीशीज क्रिएट होते जा रही है उसमें से कोई ज्यादा परफॉर्म करता है रिप्रोड्यूस करता है, कोई कम करता है। तो कॉमन सेंस से जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है ज्यादा बेटर होता है,
वो आगे बढ़ते जाता है। तो यही इनका बात है यहाँ पे कहने का मतलब। ऑल द ऑर्गेनिजम्स कम्पीट विद ईच अदर, इसी के चक्कर में वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मैनर हो गया, मतलब सबको सर्वाइव करना है, वरना वो उसे मार देगा, वो उसे खा जाएगा। ये ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे को यू नो सर्वाइव कर रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर बोलते हैं। इन दिस कॉम्पिटिशन, इसी के अंदर ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन दिखाते, जो मॉडिफिकेशन अपने अंदर कोई चेंज दिखाते, एंड विच इज एसेंशियल, जो कि एसेंशियल होता है फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। तो वो जो कॉम्पिटिशन है, सर्वाइव होने का कॉम्पिटिशन है, उसमें जीतने के लिए मॉडिफिकेशन होना जरूरी है। जो इवॉल्व होगा वही टिकेगा, वरना नहीं टिकेगा। हाउएवर बिसाइड्स दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट टू लिव एंड द रेस्ट पेरिश। तो इसी के अंदर नेचुरल सिलेक्शन, जो हमने पहले ही बोल दिया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, तो हमें नहीं पता वो कौन स्पीशीज होगा, ये जो दो तीन डिवीजन हो गए स्पीशीज के, उसमें से कौन बेटर होने वाला है हमको नहीं पता। तो दैट इज ओनली कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, मतलब रैंडम है, हमें पता ही नहीं है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो भी वो ऑर्गेनिज्म की पावर्स है उस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर क्या वेरिएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका एनवायरमेंट कैसा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये नेचुरल, हमें इसके अंदर कोई आइडिया नहीं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि ये पूरे इवोल्यूशन के प्रोसेस में नेचुरल सिलेक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है, और जो नेचुरली मतलब जो फिट होता है वो रह लेता है, बाकी पेरिश हो जाते हैं। पेरिश यानी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू द न्यू स्पीशीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। अब जो बच जाते हैं, जो फिट होके ये सर्वाइव कर लेते हैं, वो और रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी तरह और आ जाते हैं, उनकी तरह और होने लगते हैं, रिप्रोडक्शन से और होने लगते हैं, और वो चेन चालू हो जाती है। तो इसी तरह से एक पर्टिकुलर स्पीशीज बढ़ते जाती है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इसको हमने बड़े समय तक इसको एक्सेप्ट कर लिया है, आज भी हम उसको मानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है। इसके वजह से हम बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर पाए एंड आंसर कर पाए कि अच्छा बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन दिस इज पॉसिबल, अच्छा बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऐसा पॉसिबल है ये। बट देर आर, हमेशा देखो हर थियोरी का ऑब्जेक्शन होते हैं, क्रिटिसिज्म होते हैं। हर चीज आप करो, कोई भी चीज करो, उसमें कोई ना कोई तो होता है जो अपोज करता है। तो यहाँ पर भी इनकी थियरी को भी अपोज करने वाले पॉइंट्स क्या थे वो हम पढ़ेंगे। तो ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आ सकते हैं कि व्हाट आर द क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द थियरी, लिमिटेशंस ऑफ द थियरी, व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ द डार्विन्स थियरी। तो ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। क्या है देखते हैं, सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। एकदम सिंपल बोल रहे हैं, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन टर्म यूज किया, और इनका जब उस जमाने के हिसाब से उनको जितना रिसर्च से पता पड़ा, तो उन्होंने तो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, कोई और बात नहीं की थी। हालांकि इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन के अलावा और भी दूसरे फीचर्स होते हैं जो काम करते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट। फिर है, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। तो ये भी देखो, मैंने जैसे कहा कि उन्होंने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की बात की, उसके अलावा कोई और बात नहीं की। तो यहाँ पर हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस में जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चीजें हो रही है या यूजलेस ऑर्गन्स हो रहे हैं, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी थी अपने थियरी में। जैसे कि हम हमारे लास्ट पार्ट में देख चुके थे कि हमारा जो टेल बोन है आज की तारीख में हमारे लिए यूजलेस है। हमारा यहाँ का जो मसल्स रह चुका है, ईयर का जो मसल्स रह चुका है, वो हमारे लिए आज की तारीख में यूजलेस है, क्योंकि हम मूवमेंट ही नहीं कर सकते। बट एनिमल्स में आज भी वो मूवमेंट होता है। तो यूजफुल एंड यूजलेस, हमने बर्ड्स का भी एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर, कि विंग्स उनके यूजलेस हो चुके हैं। ऑस्ट्रिच के, यू नो, कीवी के हमने एग्जाम्पल लिया था, एमू बर्ड के एग्जाम्पल लिया था, राइट। सो उनके विंग्स यूजलेस हो चुके हैं आज की तारीख में, क्योंकि उन्होंने यूज ही नहीं किया है। ओके, सो डार्विन ने यूजफुलनेस एंड यूजलेसनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में भी कुछ बात नहीं की। दैट इज योर सेकेंड पॉइंट। थर्ड है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस। Irrespective of all these objections, Darwin's work was on evolution has been a milestone. तो थर्ड पॉइंट ये है कि उन्होंने और भी कोई कि स्लो चेंजेस कैसे हुआ, या अचानक से कोई चेंजेस कैसे हो रहा है, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो रहा है कि विंग्स होने के बावजूद यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा चेंज हो गया कि विंग्स है और नहीं, और टेल पूरी की पूरी गायब हो जाना, मतलब पहले लॉन्ग टेल
काफी लंबी टेल वाले हम आगे उसके ये देखेंगे, इमेजेस वगैरह देखेंगे, लॉन्ग टेल वाली बंदरे होते थे, तो वो धीरे 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 कम हो गए, और अब तो मतलब रहे ही नहीं कि ह्यूमंस हो गए, तो टेल पूरी की पूरी गायब हो गई। तो ये जो चेंजेस है, स्लो प्रोसेस बोलो या एब्रप्ट चेंजेस बोलो इसको, इसके भी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था अपनी थियरी में। उन्होंने बस इतना कहा था कि हर एक स्पीशीज का एक कॉमन एंसेस्टर रहा है और वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आगे बढ़ा है। दैट इज नथिंग बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो अपने एनवायरमेंट को एडेप्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा। एकदम सिंपल, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे, ओके। सो लेट्स रीड दैट। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, थियरी के बाद दिया ये लोग। सो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, उनका पूरा नाम रॉबर्ट, उनके फादर का नाम था, ही वाज इंग्लिश, यानी इंग्लैंड से बिलोंग करते, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, ओके। तो प्रपोज द थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ही शोड दैट ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ग्रेजुअली इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड ऑफ इयर्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मैंने अभी जस्ट अभी आपको ये बात बोली कि इनका थियरी ऑफ इवोल्यूशन यही कहता है कि हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से धीरे धीरे, ग्रेजुअल, स्लोली, हम ये वर्ड पढ़ चुके पहले, ग्रेजुअली, स्लोली 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 इवॉल्व होके आए हैं। He proposed that the principle of natural selection is responsible for the evolution. और इनका कहना था इसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन, यानी रैंडम, मुझे नहीं पता एनवायरमेंट के हिसाब से और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कुछ स्पेशलिटी वेरियंट्स के हिसाब से वो क्या आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा ज्यादा या नहीं कर पाएगा, दूसरे से कम्पीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नेचुरल, मुझे नहीं पता क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर आगे आपका है टॉपिक लमार्किज्म, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ये फ्रेंच यू नो साइंटिस्ट है, ये फ्रेंच, दैट इज इनका नाम है जॉन, जीन नहीं पढ़ते इसको, जॉन पढ़ते हैं जहां तक मुझे पता है, जॉन बैप्टिस्ट लमार्क। तो इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद करना, प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान मत उस पर अपना करना। जॉन बैप्टिस्ट लमार्क proposed that morphological changes, इनका मानना था कि morphological changes, हम लोग पढ़ चुके evidence, evidence वाले of evolution, part 2 में हम पढ़ चुके, वो आप अगर वीडियो नहीं देखे तो देखना, morphological changes occurring in living organisms are responsible for evolution and reason behind those morphological changes is activities or laziness of that organism. He called this concept principle of use or disuse of organs. एकदम सिंपल कह रहे हैं इन्होंने ये पहली बात तो डार्विन के पहले इन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है, डार्विन जी ने बाद में अपनी थियरी बताई थी, ओके। इनका यहाँ पे ये देखिए, इनका बर्थ 1744 में था एंड डेथ 29 में हो चुकी थी, ठीक है। सो लामार्किज्म में ये है, इन्होंने कहा कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम पहले ही जा चुके, जो फिजिकल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं कि हर डॉग फॉक्स हमने देखा था, डॉग फॉक्स देखा था, राइट, उनके सबके जो फीचर्स है वो सेम है, दैट शोज कि ये सेम एंसेस्टर्स हुए होंगे ऐसा। सो मॉर्फोलॉजिकल इज द फिजिकल फीचर्स। तो इनका कहना है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यूजफुल एंड यूजलेस, ये ऑर्गन्स के बेस्ड पे ही वो आगे इवॉल्व होता है। एकदम सिंपल भाषा में एमओ वाला एग्जाम्पल हमारा याद रखो, बर्ड वाला एग्जाम्पल याद रखो, उसने अपना ऑर्गन, विंग्स जो उनको दिए थे वो यूज करना छोड़ दिया, यूजलेस ऑर्गन हो गया ये, वो इतना उसने यूज करना छोड़ दिया कि उसके नेक्स्ट जेनेटिकली बेबी हुआ उसने भी उसके अंदर वो यूज करने का काइंड ऑफ पावर ही नहीं गया, जेनेटिक पावर ही नहीं गया, लेकिन विंग्स फिजिकली तो मौजूद थे। आज भी बर्ड्स में, एमू बर्ड्स में, ऑस्ट्रिच बर्ड्स में विंग्स मौजूद होते हैं लेकिन वो उनका यूज नहीं कर पाते हैं, ओके। उनका लेग्स यूज बहुत होता है तो उनके लेग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ओके। सो उनका यूजलेस जो विंग्स है वो जनरेशन जनरेशन आगे बढ़ता गया एंड वो धीरे धीरे बिल्कुल ही काम का नहीं रहा, उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं, ऐसा इनका कहना था, बैप्टिस्ट लमार्क का कहना था, इसी को उन्होंने कहा लमार्किज्म। तो इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया देखते हैं फर्दर, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो, इनका ऐसा कहना था कि जिराफ पहले छोटे थे, नॉर्मल थे, जैसे कि समझो कोई जेबरा जैसा ही कुछ एनिमल होगा साइज में, लेकिन वो धीरे धीरे ऊंचा यू नो करने की कोशिश, आगे ऊपर के लीव्स खाने के लिए वो गर्दन अपनी ऊंचा करने की कोशिश करता था। तो इस तरह से धीरे धीरे एकदम स्लोली जनरेशन जनरेशन से वो लंबा होते गया, नेक लंबा होते गया, ऐसा इनका थियरी है, ओके। सो दैट इज लमार्किज्म।
Further, he said the neck of the giraffe has become too long due to browsing. Browsing यानी ऊपर की तरफ वो ढूंढ रहा है क्या? Leaves. All tall plants by extending their neck for several generation. बहुत generation. Okay, ऐसा नहीं कि आज का generation, next generation मतलब next baby में अपने आप एकदम लंबा आ गया. ऐसा नहीं, एकदम slight change, धीरे-धीरे लंबा होता गया. ऐसा इनका मानना है. ये चीज से ये भी पता पड़ता है हमारे पहले humans जो थे वो बहुत huge होते थे साइज में. You know, जो पहले के जितने ह्यूमंस होते थे वो बहुत ही ज्यादा साइज में यूज होते थे. तो ये डिफरेंस भी क्यों आया है? और धीरे धीरे हम साइज जो है, पोस्चर जो है छोटा होते गया. हमारा पोस्चर जो है पूरा बॉडी का, स्केलेटन का, वो छोटा होते गया क्योंकि हमारा यूज, हमारा लाइफ कंफर्टेबल हो गया. पहले हम लोग अटकते भटकते रहते थे खाने की तलाश में यहां से वहां, तो फिजिकल वर्क बहुत होता था, इसीलिए हम फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे. लेकिन जैसे ही हमने एग्रीकल्चर चालू किया, हमने सेटल्ड लाइफ, सेटलमेंट चालू किया, हमने सिविलाइजेशन फॉर्म किया, हमारा फिजिकल वर्क कम हो गया. फिजिकल वर्क कम हो गया तो धीरे धीरे जनरेशन जनरेशन जो आने लगी उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया और थोड़ा सा कंपेयर करेंगे पहले वाले से कमजोर हो गया. तो ये बात ही इनका यहाँ पे कहना है कि सेवरल जनरेशन से कोई चीज अगर करते गए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आते जाएगी, बेटर होते जाएगी. सिमिलरली शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ हैव बीन वेरी स्ट्रांग ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स. तो इन्होंने यहाँ पे एक और एग्जांपल क्या बोला कि आयरन स्मिथ जो होता है, जो लोखंड, लोखंड के काम करता है आयरन स्मिथ, तो वो लोखंड से अगर दिन भर मारेगा तो उसका फोर आर्म स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में उसके बेबी का जेनेटिक्स फिजिकली स्ट्रांग होगा. और अगर उसके बेबी ने भी अपना फोर आर्म ज्यादा यूज किया तो आयरन स्मिथ की जो जनरेशन होगी सबके फोर आर्म्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे. ऐसा इनका थियरी है. ठीक है, बहुत सारे इनके एग्जांपल्स याद रखना. विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, एमू, देखो हम ये बात कर चुके हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है उन्होंने. एमू हैव बिकम वीक ड्यू टू नो यूज के वजह से ये वीक हो गए. लेग्स ऑफ द बर्ड्स लाइक स्वान, डक हैव बिकम यूजफुल फ्रॉम स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर. एंड स्नेक्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट. बरोइंग हैबिट क्या होती है? स्नेक्स लोग ना ग्राउंड के अंदर खोद के अंदर रहने चले जाते हैं अंडे देने के लिए. तो ये आदत की वजह से उनका क्या हो गया, लेग्स उनके मॉडिफाई होके चले गए, लेग्स चले गए. ऐसा इनका थियरी है. ओके, ऑल दिस एग्जांपल्स आर द टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स. इसको ये वर्ड आपको यूज करना है. देखो टेक्निकल वर्ड्स मैं पहले बता चुका हूँ, हर सब्जेक्ट का टेक्निकल वर्ड्स होता है, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का टेक्निकल वर्ड्स होता है. वो टेक्निकल वर्ड्स पकड़ लो, उसको यूज करना है पक्का, आपको एग्जाम में, पेपर में, आंसर्स में यूज करना है. तो आपको वो वर्ड देख के ही पहले ही आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या टेक्निकल वर्ड है कि ये सारी चीजें क्या है, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी ये मैंने अक्वायर किया है. अक्वायर यानी वो मैंने पा लिया है, वो मैंने मेरे अंदर चेंज लाया है, अक्वायर बोलते हैं उसको. अक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड आर ट्रांसफर्ड, एंड ये धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसफर होता है. कहां से कहां? फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. दिस इज कॉल्ड थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और सिंपल भाषा में उनके नाम से बना हुआ ये वर्ड लमार्किज्म. सो आई होप इसका भी प्रोनाउंसिएशन लमार्किज्म हम बोल सकते हैं, लमार्किज्म. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट लमार्किज्म. इनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है. जॉन बैप्टिस्ट लमार्क, लमार्क प्रपोज दैट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर इवोल्यूशन. तो जो एक्टिविटी जो करेगा वो ही रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए. जो पर्टिकुलर ऑर्गन को ज्यादा यूज करेगा एक्टिविटी करके तो वो उसका ऑर्गन नेक्स्ट जनरेशन में स्ट्रांग हो जाएगा, या यूज नहीं करेगा तो यूजलेस हो जाएगा. दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट, ये भी देखो नेचुरलिस्ट है, जो नेचर के बारे में स्टडी करता है, प्लांट्स एनिमल्स की स्टडी करता है, उसे नेचुरलिस्ट कहा जाता है. प्रपोज्ड दैट ईच एनिमल और प्लांट अंडरगो सम चेंजेस इन इट्स लाइफ स्पैन एंड दोस चेंजेस आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड सच चेंजेस ऑकर इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जनरेशन टू. तो वही बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कोई भी एक प्लांट या एनिमल अपनी पूरी लाइफ स्पैन, अपनी पूरी जिंदगी में कोई ना कोई अक्वायर्ड स्किल सीखता है. वही एक्टिविटी अगर वो रिपीट करते रहता है तो उस पर्टिकुलर स्किल में उसका स्ट्रांग हो जाता है वो ऑर्गन, एंड वो चीज कैरेक्टर कैरी होता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में कैरी होता है. ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा है. ओके, आगे रीड करेंगे. सो लेट्स रीड. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और देयर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज एट ऑल वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वॉज रिजेक्टेड. तो लोगों ने ये बात तो मान ली कि ये बात तो सही है कि जो चीज का मैं ज्यादा इस्तेमाल करूंगा वो चीज स्ट्रांग हो जाएगी, और जो चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगा वो डीजेनरेट हो जाएगी, मतलब वो चली जाएगी. जैसे कि हमने टेल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो टेल हमारी चली गई पूरी, लेकिन बोन बाकी रह गई. ओके,
सो आगे कहते हैं, बिकॉज इट हैज बीन वेरीफाइड मेनी टाइम्स दैट मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देयर बाय लेमार्क्स थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड. द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर्स व्हिच इट हैज अक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स. तो सबसे पहले तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर अपना जो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है उसे एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है. एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है यहाँ पर. ओके, एंड इनकी थियरी को हमने डिसअप्रूव कर दिया क्योंकि बहुत बार ऐसा वेरीफाई कर दिया, मेनी टाइम्स इट इज बीन वेरीफाइड कि मॉडिफिकेशन जो हमारे अंदर आता है, थोड़ा सा जो चेंज आ गया, मॉडिफिकेशन आ गया, वो जरूरी नहीं है ट्रांसफर हो नेक्स्ट जनरेशन में. तो ये हमने लाइक वेरीफाई किया, लाइक चेक किया, डिस्कवर किया, जिससे इनकी थियरी को डिसअप्रूव कर दिया गया, मतलब इसको फॉलो नहीं किया जाता है. मेन थियरी इवोल्यूशन की हम फॉलो क्या करते हैं, डार्विन्स इवोल्यूशन थियरी. ओके, आगे बढ़ते हैं, स्पीशिएशन क्या होता है देखते हैं. सो नेक्स्ट हमारा है स्पीशिएशन. तो स्पीशिएशन मतलब एकदम सिंपल, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में होना चाहिए कि स्पीशीज क्या है. तो अलग अलग हर एक स्टेज पे, जो मैंने बताया, हर एक स्टेज पे एक स्पीशीज स्प्लिट हो जा रहा है. ठीक है, हमारे पास लॉन्ग टेल वाले बंदर थे, फिर धीरे धीरे शॉर्ट टेल वाले बंदर आ गए. तो ये जो यहाँ पे दो स्प्लिट हो गया, तो ये स्पीशीज चेंज हो गई, स्पीश चेंज हो गया. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन से क्या हो रहा है, स्पीशीज अलग 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 बनते जा रही है. स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन. तो एक स्पीशीज को क्या बोलते हैं, स्पीशीज का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है, कोई भी वो ऑर्गेनिज्म जो अच्छा रिप्रोडक्शन कर सकता है, अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सकता है, अपने तरह के लोग आगे बढ़ा सकता है, दैट इज स्पीशिएशन. जैसे कि कैट फैमिली, हमने पहले भी चार्ट देखा था, कैट फैमिली एक है, कैट फैमिली जिसको हम बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर स्पीशिएशन होके आधे टाइगर बन चुके, आधे लायन बन चुके, आधे डोमेस्टिकेट अपने नॉर्मल जो कैट होते हैं वो बन चुके, आधे जैगवार, आधे चीता, आधे लेपर्ड. तो ये स्पीशिएशन हुआ है कैट फैमिली के अंदर. तो आपको ये याद रखना है, एनिमल किंगडम, किंगडम के अंदर आता है फिर यू नो अलग अलग क्लासेस ग्रुप्स, तो वैसे स्पीशीज एंड जीनस फिर ऐसे करके वो सेक्शन आता है पूरा. तो आपको ये याद रखना है. ईच स्पीशीज ग्रोज इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन. तो देखो, लायन अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में बड़ा हुआ, टाइगर अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में बड़ा हुआ, चीता अलग कंडीशन में बड़ा हुआ, अपने नॉर्मल जो कैट्स होते हैं वो अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए. तो इसके वजह से उनके अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस और उनके उसी के बेस पे फूड हैबिट्स, उनके यू नो एनवायरनमेंट एंड रिप्रोडक्टिव हैबिट्स के बेस्ड पे स्पीशीज अलग अलग होती है और आगे बढ़ते जाती है. हाउएवर, जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम अर्लियर वंस. बिसाइड्स ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. सिमिलरली ज्योग्राफिकल और प्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो लीड्स टू स्पीशिएशन. तो एकदम सिंपल यहाँ पे लास्ट की लाइन में यही बोल रहे हैं, तीन चीजें आपको याद रखनी है. जेनेटिक वेरिएशन की वजह से भी स्पीशिएशन होता है, ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव तीनों, ये ज्योग्राफिकल सेकेंड एंड रिप्रोडक्टिव, ये चेंजेस की वजह से भी अलग अलग स्पीशीज फॉर्म होती है. इसी के अंदर आपको लास्ट लाइन ये बोल रहे हैं कि ज्योग्राफिकल रिप्रोडक्ट, लास्ट लाइन आपको ये बोल रहे हैं कि ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी उससे दूर हो जाना, किसी को हमने जू में बंद कर दिया तो वो अलग तरीके से हो जाएगा. लायन जो जू में होते हैं वो बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, वो आपके साथ खेलेंगे लिटरली. तो ये उनको वाइल्ड में रखना और एक जू में रखना, तो यहाँ पर मैंने उसका एनवायरमेंट छीन लिया, उसको आइसोलेट करके रखा है मेरे एक फिक्स्ड एनवायरमेंट में, मेरे कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में. तो उसका जो ओरिजिनल नेचर था वो चेंज हो गया, वो नॉर्मल कैट की तरह भी बिहेव करेगा, वो खेलेगा हमारे साथ, उसके ट्रेनर के साथ खेलेगा वो. ओके, सो आइसोलेशन से भी स्पीशिएशन चेंज होता है. ओके, नेक्स्ट हमारा है, लास्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन इवोल्यूशन का, ह्यूमन इवोल्यूशन. तो ये पूरा लाइक सम टोटल अभी तक हमने जो पढ़ा वो पूरा एक साथ मर्ज होके यहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन अगर आप पढ़ने जाएंगे, बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में उन्होंने सिंपल लाइन वाइज ये सारी जितना जो दो पैराग्राफ आपको दिखेगा, आपको पूरा एक एक लाइन टॉपिक, एक एक लाइन वाइज इसको याद रखना है. ठीक है, क्योंकि एक एक लाइन में उन्होंने लाइक years of years का evolution explain कर दिया है. तो एक एक सिंगल सिंगल लाइन आपको as a steps समझ लो, as a steps उसको पूरे एक एक लाइन को आपको याद रखना है. हम पढ़ेंगे सिंपली क्या है, देखते हैं. ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, द बायोडाइवर्सिटी दैट इज नोन टूडे हैज बीन सेड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन. तो एकदम सिंपल, पहले भी हम बात कर चुके हैं,
हम सब लोग सिंगल सेल अमीबा जैसे सिंगल सेल में से मल्टी सेल्यूलर बनते बनते आज हम ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं। यही इवोल्यूशन प्रोसेस पूरी है। इन दिस इवोल्यूशन इसी के अंदर ओरिजिन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी शोन एज द पिक्चर गिवन बिलो। तो सीधा पिक्चर देखेंगे हम, आप जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में लॉन्ग टेल वाले यू नो मंकीज थे, धीरे धीरे वो टेल चली गई, उसको हमें देखो कितना फोर करोड़ years लगे, okay? फिर हम लोग धीरे धीरे सीधा इरेक्ट होने लगे एंड हमारे हैंड्स मूवमेंट, हमारे हम हाथ का चलने के लिए इस्तेमाल हमने बंद कर दिया, हैंड मूवमेंट बंद कर दिया, तो हमारे पास अब वो हाथ को हम दूसरी तरह से यूज करने लग गए, तो हम धीरे धीरे टूल्स बनाने लग गए। टूल्स बनाते बनाते हमने उसके अंदर हमारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ, आधे लोग कहीं और यू नो घूमते थे हम यहाँ से वहां खाने की तलाश में, तो आधे लोग कोई और एनवायरमेंट में चले गए, दूसरे लोग कहीं और एनवायरमेंट में चले गए, तो इसी तरह से जो जैसे एनवायरमेंट चला गया उस हिसाब से उसका आगे का इवोल्यूशन हुआ, तो कोई और स्ट्रॉन्गर स्पीशीज बन गया, कोई और स्ट्रॉन्गर बन गया, कोई और वीक होते गया, कोई और टूल्स अलग तरीके से यूज करते गया, तो ये सारे चेंजेस आते गए एंड फाइनली हम एकदम यू नो इरेक्ट हो गए एंड 50,000 ईयर्स अगो हम एक एक्चुअल ह्यूमन हम जिसको बोल सकते हैं हम पूरे हो चुके थे। ठीक है, वैसे तो इरेक्ट होना यानी कि आपको यहां से याद रखना है रैमेपिटिकस जो आपको दिख रहा है दैट इज हम मानते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन वहां से हम, क्योंकि हम एग्जैक्ट उधर हैंड्स वॉकिंग करने के लिए हमने यूज करना छोड़ दिया था, दैट इज रैमेपिटिकस। ठीक है, सो रैमेपिटिकस आपको ये नाम याद रखें, पिटिकस आप देख रहे हो हर वर्ड हर यहाँ पर पीछे आपको वर्ड दिख रहा है पिटिकस, पिटिकस का मीनिंग होता है एप, ओके, सो ग्रीक लेटर है ये, ग्रीक वर्ड है मतलब उसका ग्रीक ओरिजिन में एप मीनिंग होता है, इसलिए आपको यहाँ पर हर एक के पीछे देखो पिटिकस पिटिकस आपको दिख रहा होगा। सो लेट्स रीड फर्दर कि लास्ट डायनोसस डिसअपीयर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स अगो, 7 करोड़ ईयर्स पहले ये डायनोसस सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। इसी के टाइम मंकी लाइक एनिमल्स आर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर हु वेर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लिमर्स। तो लिमर्स एक तरह का यू नो एक एनिमल है जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हो, तो जिनकी टेल देखिए कैसी है। ठीक है, टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स ऑफ अफ्रीका इज सेड टू बी डिसअपीयर्ड अबाउट 4 करोड़ ईयर्स अगो, और इनकी टेल 4 करोड़ साल पहले डिसअपियर होने लग गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है यहां से यहां 4 करोड़ का डिफरेंस, मतलब 3 करोड़ का, 7 करोड़ और फिर 4, तो 3 करोड़ ईयर्स का डिफरेंस है। टेल गायब होने में हमें 3 करोड़ ईयर्स लगे हैं, बहुत होते हैं वो। ठीक है, दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट इन ब्रेन, देयर हैंड्स वेर ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड दस एप लाइक एनिमल्स वेर इवॉल्व। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये और आगे इवॉल्व होते गए और धीरे धीरे हाथों का इस्तेमाल करना सीख गए और एप जो एक आज की तारीख में एनिमल है एक वैसे एनिमल्स आने लग गए, वैसे हम होने लग गए। मीनवाइल इसी के साथ साथ एप लाइक एनिमल्स रीच आधे लोग साउथ आधे लोग नॉर्थ ईस्ट एशिया चले गए एंड ये लोग आधे फिर गिबन एंड ओरैंगयूटान ये भी एक तरह के आज की तारीख में एनिमल्स हैं। ठीक है, सारे के सारे मंकी फैमिली बिलोंग करते हैं। ठीक है, पूरा मंकी फैमिली ये, सो ये लोग आधे गिबन हो गए एंड आधे ओरैंगयूटान हो गए। इसी के बाद हम ह्यूमन में धीरे धीरे ह्यूमन में चले जाते हैं। ठीक है, ओरैंगयूटान के बाद रिमेनिंग एप लाइक और आधे देखो आधे एप लाइक इधर चले गए थे एंड आधे आधे यहां जाओ आधे यहां जाओ, तो आधे एप लाइक एनिमल स्टेड इन अफ्रीका, अफ्रीका में आधे रह गए एंड वो लोग गोरिला और चिंपैंजी के अंदर इवॉल्व हो गए 2.5 करोड़ ईयर्स अगो। तो ये लोग भी गोरिला चिंपैंजीज ये अलग तरीके से फिर से ह्यूमन के अंदर, फिर से ये लोग ह्यूमंस के अंदर ही इवॉल्व हो रहे हैं आगे जाके। ठीक है, 2.5 करोड़ ईयर्स अगो Evolution of some of 2 crore year old species of apes seems to occur in different way. और इस तरह से 2 करोड़ साल पहले की old species of apes जो है उनमें अलग अलग तरीके का हमने different, ये देखो starting single long tail वाले monkey से सबका चालू हुआ था लेकिन सब अलग 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 split होते गए, that is species अलग होते गए and वो ही आपस में reproduction करते गए और उनकी वो एक अलग ही species बन गए, ape अलग पूरे हो गए। ठीक है, ओरैंगयूटान्स और हो गए, गिबन्स अलग हो गए पूरे, तो ये अलग 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 फैलते जा रहे हैं सबके सब, आधे साउथ जा रहे हैं आधे नॉर्थ ईस्ट एशिया जा रहे हैं आधे अफ्रीका में ही रह गए। ओके, तो ये होते जा रहा था। दे हैड टू यूज देयर हैंड्स और इनको
जो एप्स जैसे स्ट्रक्चर है चिंपैंजी गोरिल्लास, इनको अब हैंड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा खाना खाने के लिए और दूसरा काम करने के लिए। तो इसी से ये इनके अंदर चेंजेस आने लग गए, इसी से इनके अंदर चेंजेस आने लग गए। ओके एंड फिर दोज एप्स स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट। एकदम सिंपल लाइन बाय लाइन आप जैसे कि देख सकते हो, एकदम सिंपल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है, एकदम स्टेप्स फॉलो करना है आपको। ये स्टेप्स है कैसे हम लोग ह्यूमन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यही एप्स अब इनको लैंड पे ज्यादा रहना पड़ा, ट्रीज पे रहना छोड़ दिया क्योंकि फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे थे, ड्राई क्लाइमेट। दे आर लुम्बार बोन्स, लुम्बार बोन्स डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलैंड्स एंड देयर बाय देयर हैंड्स बिकेम अवेलेबल फॉर यूज एनी टाइम। तो लुम्बार बोन्स यानी कि आपकी बैकबोन जो पूरी होती है, दैट इज अ लुम्बार बोन पूरा सेक्शन। ओके वो ये लोग ने इस्तेमाल करना चालू किया एंड धीरे धीरे वो इरेक्ट होते गए, धीरे धीरे वो इरेक्ट पोस्चर में आ गए, स्लाउचिंग से धीरे धीरे इरेक्ट आ गए, जिससे हाथ अब फ्री हो चुके थे। ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एंड वो अब कभी भी हाथ यूज कर सकते। फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स, फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल जिसको हम इरेक्ट पोस्चर वाला ये करते हैं, करीब 2 करोड़ साल पहले आया था, 2 करोड़ ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ था। ओके फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इन इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रमैपिटिकस। तो रमैपिटिकस मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी इमेज में हमने देखा कि यहां से हम समझते हैं कि ये पहला ह्यूमन फॉर्म का एनिमल है, ठीक है। एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, ये ईस्ट अफ्रीका से हमारे पास रिकॉर्ड है, हमें फॉसिल्स मिले हैं इसके, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स दीज एप ग्रो अप इन साइज, ये धीरे धीरे साइज में बढ़ते गए, मोर इंटेलिजेंट होते गए, एंड दस द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट 40 लाख ईयर्स अगो। और ये 40 लाख ईयर्स पहले, अब करोड़ से हम लैक्स पे आ चुके, ठीक है, 2 करोड़ से चालू हुआ था, ठीक है, तो 40 लाख पे आ चुके, 40 लाख करोड़ ईयर्स पहले हम लोग एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग बन चुके थे। ओके आगे रीड करते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ दीज ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू अपियर टू बी द मेंबर ऑफ जीनस होमो। तो आपको ये समझना है कि देखो, स्टार्टिंग में भी मैंने एक बार बोला कि देयर इज सेक्शंस, हमने सेक्शन बना के रखा है एनिमल किंगडम के अंदर, फिर वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स होता है, उसके अंदर फिर से वर्टिब्रेट्स के अंदर देयर इज सेक्शन। तो ये जो सेक्शंस बना के रखे, क्लास बोलते हैं उसको, ग्रुप बोलते हैं उसको, जीनस बोलते हैं उसको। तो हमारा जीनस जो है, ह्यूमंस का जीनस है, उसको होमो जीनस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे ह्यूमन वाले जीनस, ह्यूमन वाले नेम में सब में हम होमो लगा, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियन सेपियन। तो होमो जो है दैट इज इंडिकेट्स योर जीनस क्या है हमारा, ठीक है। सो मेंबर ऑफ द जीनस होमो अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो एंड दस स्किल्ड ह्यूमन डेवलप। तो 20 लाख साल, 20 लाख, और देखो 40 लाख था पहले, 40 से अब हम 20 पे आ चुके, तो 20 लाख के ये पीरियड में हम लोग और बेटर होते गए, हमारा ब्रेन और डेवलप हो गया एंड अब हम स्किल्ड ह्यूमन हो चुके थे, अब हम एग्जैक्ट पूरे के पूरे स्किल्ड ह्यूमन हो चुके थे। और 15 लाख ईयर्स अगो हमने एकदम ही स्ट्रेट इरेक्ट पोजिशन में चलना शुरू कर दिया, एकदम ही स्ट्रेट इरेक्ट पोजिशन में चल, थोड़ा सा भी स्लाउचिंग हम ऐसे नहीं चलते थे, एकदम इरेक्ट चलना शुरू कर दिया। एंड ये इसके हमें चाइना, इंडोनेशिया और दूसरे एशियन कॉन्टिनेंट्स में इनके फॉसिल्स वगैरह मिले हैं। आगे रीड करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन फॉर द पीरियड ऑफ 1 लाख। और 1 लाख साल तक, 1 लाख साल तक हमारा ब्रेन, जैसे कि आप यहाँ पे ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन का काफी अच्छा इमेज दिया है, जैसे जैसे देखो पोस्चर चेंज होते जा रहा है, पोस्चर चेंज होते जा रहा है, इरेक्ट और होते जा रहा है एंड उसका ब्रेन साइज बढ़ते जा रहा है, दैट इज वो और इंटेलिजेंट होते जा रहा है उसका ब्रेन साइज। यहाँ पे हमने इंडिकेशन में ये दिया है कि वो ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, उसका ब्रेन साइज बढ़ते जा रहा है। सो जब तक अपराइट मैन पूरा की पूरा गुड डायरेक्शन में जा रहा था, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन डायरेक्शन में जा रहा था, उतना वो कितना टाइम था, 1 लाख पीरियड, 1 लाख ईयर्स का पीरियड था। मीन वाइल इसी के साथ साथ हमने दूसरी चीज क्या कर ली, फायर डिस्कवर कर लिया, फायर की, आग की खोज हमने डिस्कवर कर ली कि ये भाई आग क्या है। डिस्कवर कर ली क्यों कहा गया है, क्योंकि आग तो पहले से थी एनवायरमेंट में, जब थंडर होता था तो झाड़ को आग लग जाती थी लेकिन हम उससे डरते थे, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो बाय दिस टाइम, दिस पीरियड हमारा जब ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, हम उसको कंट्रोल करना सीख गए कि भैया ये देखो कोई चीज घिस रहे हो, गर्माहट पैदा कर रही है, वो फ्रिक्शन पैदा कर रही है, उससे आग पैदा हो रही है एंड उसको हम संभालना सीख गए थे, उसको हमने अपने आप को एडेप्ट कर लिया था उसको यूज करने के लिए।
तो दैट इज इसलिए हम कहते हैं डिस्कवर्ड फायर. ओके, ब्रेन ऑफ 50,000 ईयर्स ओल्ड मैन हैड बीन सफिशिएंटली इवॉल्व्ड टू द एक्सटेंट दैट इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ मेंबर ऑफ क्लास वाइज. देखो क्लास ग्रुप वाइज, क्लास वाइज, जीनस वाइज, वैसे क्लास, तो क्लास वाइज हम उसको क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस. तो करीब 50,000 साल पहले हम मानते हैं कि एक परफेक्टली इरेक्ट पोस्चर वाला स्किल्ड ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन क्लास वाला, जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस. ओके, नियद्रथल्स मैन कैन बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन. अब नॉर्थ की तरफ जो चले गए थे ना, जो एप्स आधे नॉर्थ की तरफ चले गए थे, वहां के थोड़े से अलग ही साइज में थे, तो वो उनको हमने नाम दिया है नियद्रथल्स. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नियद्रथल्स. इनका देखिए यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है. इनको हम पहला वाइज मैन समझते हैं. द क्रो मैग्नॉन मैन इवॉल्व अबाउट 50,000 ईयर्स अगो एंड आफ्टरवर्ड्स दिस इवोल्यूशन हैज बीन फास्टर देन अर्लियर. तो और धीरे धीरे क्रो मैग्नोमैन, क्रो मैग्नोमैन यानी हमारा जो लेटेस्ट, हम जो स्किल्ड एकदम टूल्स को यूज करने वाला ह्यूमन हम जिसको बोलते हैं, वो 50,000 साल पहले आ चुका था. एंड अब जो इवोल्यूशन की स्पीड है, पहले कितनी स्लो हो रही थी, मतलब हमने 3 करोड़ ईयर्स में हमारी सिर्फ टेल गायब हुई. अब हमारा इवोल्यूशन इतना फास्ट हो चुका है कि अब हम इतने फास्ट हो गए, हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस फास्ट हो गया पहले से. तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अबाउट 10,000 ईयर्स अगो वाइज मैन स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की शुरुआत हमने 10,000 साल पहले की थी. अब हमने एग्रीकल्चर का डिस्कवरी कर दिया था. एग्रीकल्चर का डिस्कवरी कैसे किया होगा, तो ये मेरा ऐसा मानना है कि हमने देखा चीजें, सीड्स जो है, हम फ्रूट्स तो खाते थे, हम ट्रीज से फ्रूट्स तोड़ के खाते थे, तो किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि भैया ये सीड जो है ये यहाँ था, उसकी जगह ये झाड़ आ गया जो फ्रूट मैंने खाया था. तो ये किसी ने ऑब्जर्व किया होगा बैठे बैठे, और इस तरह से मे बी वो सीड्स का ये स्ट्रक्चर उन्होंने धीरे धीरे सीखा कि भैया इसको लैंड में डालो, उसको देखो पानी मिल रहा है, तो ये देखो उग रहा है, अरे इसमें फिर से वो बहुत सारा आ रहा है, ये तो पूरा झाड़ बन गया एप्पल का. तो ये किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, और ये सिस्टमैटिक वे में धीरे धीरे आज की तारीख में जैसे हम एग्रीकल्चर को जानते हैं वैसा हमने कर लिया. तो 10,000 ईयर्स अगो एग्रीकल्चर कर लिया, एग्रीकल्चर चालू जैसे ही हुआ, अब इंसान को यहां से वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ी. वो उसने खाने के लिए भटकना छोड़ दिया था. हार्डली कुछ वो हंटिंग के लिए जाता था, नॉनवेज खाने का मन हुआ तो एनिमल पकड़ने जाता था, वरना वो अपना घर में सेटल्ड लाइफ. इसलिए सेटलमेंट्स, तब से हम सेटलमेंट्स वर्ड यूज करते हैं. ओके, सिविलाइजेशन धीरे धीरे अब चालू हो जाएगी. तो जैसे ही सेटल होना चालू किया, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसका, उसके पास फ्री टाइम होने लग गया, अब वो क्रिएटिव होने लग गया, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, थॉट्स, उसके दिमाग में थॉट्स आने लग गए, ये सब क्या है. उसने भाषा क्रिएट की, उसके मुंह से साउंड्स निकले, वॉवेल्स जिसको हम बोलते हैं, यू नो, दैट इज साउंड्स. ये साउंड्स को अगर आप फास्ट बोलोगे तो आप बंदर की तरह साउंड करोगे, सो ये एक बंदर ऐसा ही साउंड करता है, राइट. तो ये साउंड्स है, साउंड्स का यूज करके हमने अक्षर बनाया धीरे धीरे, एंड इस तरह से पूरा आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. सो दैट इज इवोल्यूशन. एंड लास्ट के दो लाइन बचे हैं. इट स्टार्टेड टू रेयर कैटल, हमने एनिमल को पालना चालू कर दिया, उनसे दूध लेना, उनसे उनको बेसिकली यूज करना चालू कर दिया. कल्चरल डेवलपमेंट होने लग गया, आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंट हुई 5,000 ईयर्स अगो. हमने लिखना, हम जो बोलने लग गए उसको हमने अक्षर दे दिया, हमने शेप दे दिया, अक्षर दे दिया मतलब शेप दे दिया, कि अ मतलब मैं ऐसा शेप बना रहा हूं, इसको मैं अ बोलूंगा. तो ये हमने कर दिया. एंड फिर तब से, जब से लिखना चालू कर दिया, तब से सिस्टमैटिक जब रूल फॉर्मेशन कर दिया कि अब सब लोग ए इस तरह से लिखेंगे, बी इस तरह से लिखेंगे. ओके, जो ये रूल चालू कर दिया कि ये ए बी ऐसा लिखा जाएगा. अगर आप ग्रीक लेटर्स लिखो देखोगे तो कुछ अल्फा बीटा आपको ऐसा दिखेगा. तो ये थोड़ा देखो सिमिलैरिटी है ना. तो ये हमने एक फिक्स रूल्स बना दिए. और फिर राइटिंग जब से चालू हो गई तो हिस्ट्री लिखना, मतलब हमने रिकॉर्ड करना चालू हो गया. ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी, हिस्ट्री हैड बीन स्टार्टेड. मॉडर्न साइंस, धीरे धीरे मॉडर्न साइंस उसमें से इमर्ज हुए 400 ईयर्स अगो. 400 साल पहले कुछ भी नहीं था, 400 साल में ही हमने सारे डेवलपमेंट आज की तारीख में किया है. ये जो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ये पहले अवेलेबल ही नहीं था. ये टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ चीज होगी ऐसी पता ही नहीं थी. तो ये मॉडर्न साइंस यानी कि साइंस, फिजिक्स, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जितनी भी हमने डेवलपमेंट की है जेनेटिक वाइज, जो 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 भी हमने किया हुआ है, वो सब कुछ 400 साल पहले चालू हुआ.
इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनने लग गई, वो 200 साल पहले आई, एंड आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं फिलहाल, एंड एक भयंकर वायरस से लड़ रहे हैं, एंड यही अगेन दिस इज चैलेंजिंग अस। ये हमारे एनवायरमेंट को चैलेंज कर रहा है, ये वायरस कोरोना हमें चैलेंज कर रहा है कि कौन सर्वाइव करेगा, कौन इसको आगे बढ़ेगा। तो यही स्पीशीज, हमारी स्पीशीज अब बचने वाली है कि नहीं, ये डिसाइड हो रहा है, ये एक वॉर चल रही है। ओके, सो यहाँ पे वही बात हमने इवोल्यूशन में देखी, एंड होप हम जल्दी कोविड 19 को हरा कर और बेटर हिस्ट्री, ये हम हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं, और बेटर हिस्ट्री हम आगे हमारे होने वाले जनरेशन जो है, बच्चे हमारी पढ़ेंगे कि हमारे फोरफादर्स लोग ने कोविड 19 को हराया था, और वो पता नहीं और क्या इंफॉर्मेशन और उनको पता पड़ेगी हमारे पास्ट के बारे में। तो हमारा पास्ट हम स्टडी करते जाते हैं, हमारा फ्यूचर हम क्रिएट करते जा रहे हैं, एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये पूरा इवोल्यूशन हेरिडिटी, चैप्टर का नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको तीन पार्ट्स में पढ़ाया, आई होप आपको मजा आया, आपको अच्छा लगा हो, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिखिए, आई ट्राई माई बेस्ट आपको मैं आंसर करूँ, एंड आई होपफुली नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी बताऊंगा। थियरीज पढ़ाने में थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता है, मैथ्स पढ़ाना थोड़ा ईजी हो जाता है, तो आई स्टिल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन थियरी सब्जेक्ट साइंस एंड हिस्ट्री। And that was the first chapter. Thank you so much. And be safe. घर पे रहिए. And like the video, share the video. को अच्छा लगा हो तो. And thank you so much. Bye. Take care.